हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक लोअर बर्थ से रिलेटेड है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोअर बर्थ बुकिंग नहीं कर पाते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो खास करके बनाया हूँ। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आप इस वीडियो से यह सीख पाएँ कि लोअर बर्थ बुकिंग कैसे कर पाएंगे सीनियर सिटीजन को छोड़कर। सीनियर सिटीजन में तो लोअर बर्थ बुकिंग कर ही लीजिएगा, लेकिन सीनियर सिटीजन को छोड़ के भी आप लोअर बर्थ बुकिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं IRCTC का वेबसाइट में अपना लॉगिन आईडी डाल के लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं लॉगिन कर चुका हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं हावड़ा से रांची तक का टिकट बुक करने वाला हूँ। उसी में आपको लोअर बर्थ दिखाऊंगा, बुकिंग करके एकदम लाइव दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 8 तारीख का ही बुकिंग चाहिए। जनरल कोटा से सीट खाली नहीं है, इसलिए मैं तत्काल कोटा से टिकट बुक करूँगा। और रांची जाने के लिए 3 ट्रेन है, शताब्दी एक्सप्रेस, करिया योगा एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो मुझे करिया योगा एक्सप्रेस में टिकट चाहिए, जो रात को 9:30 बजे हावड़ा से खुलती है और रांची में सुबह 5:30 बजे पहुंचा देती है। तो स्लीपर क्लास में सीट हम चेक करें तत्काल कोटा से, तो 3 वेटिंग लिस्ट चल रहा है। तो थर्ड एसी में देखते हैं। थर्ड एसी में आप देख पा रहे 78 सीट अवेलेबल है, थर्ड एसी में ही बुकिंग कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे पैसेंजर डिटेल्स ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, तो पैसेंजर डिटेल्स मैं पहले से मास्टर लिस्ट ऐड करके रखा हुआ हूँ। ठीक है, तो वो मैं ऐड कर लेता हूँ। मास्टर लिस्ट में भी आप लोअर बर्थ जरूर जरूर ऐड करके रखिएगा। जैसे कि आप देख पा रहे दोनों में मैं लोअर बर्थ पहले से ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ हूँ। ठीक है, तो आप भी ऐड कर सकते हैं। तो और कस्टमर का मोबाइल नंबर, जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कॉन्टैक्ट नंबर मैं फिल कर रहा हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर फिल करने के बाद बुक ओनली कन्फर्म बर्थ, मतलब ये आपका होता क्या है कि आपको 100% कन्फर्म ही मिलेगा, वेटिंग रहेगा तो नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन चॉइस मोस्ट है। ठीक है, तो आप जैसे कि देख पा रहे बुक ओनली इफ़ ऑल बर्थ आर अलॉटेड इन सेम कोच, ये वाला ऑप्शन छोड़ दीजिए, ये वाला नहीं। दूसरा नंबर जो दिखा रहा है बुक ओनली इफ एटलीस्ट 1 लोअर बर्थ इज अलॉटेड, और सेकेंड नंबर है बुक ओनली इफ 2 लोअर बर्थ आर अलॉटेड। इसका मतलब ये है कि आप अगर एक लोअर बर्थ बुक करना चाहते हैं तो 2 नंबर वाला ऑप्शन क्लिक करिए, अगर दोनों आपको लोअर बर्थ चाहिए तो 2 नंबर पर क्लिक करिए। तो मुझे कम से कम एक सीट भी मिल जाएगा तो मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं मुझे 2 सीट चाहिए। अगर रेलवे के पास 2 लोअर बर्थ रहेगा तो आपको 100% 2 लोअर ही मिलेगा, नहीं तो 100% मिलेगा, नहीं तो आपका टिकट बुक नहीं होगा। तो मैं 1 कम से कम सिलेक्ट कर लिया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इंश्योरेंस पे मैं नो कर रहा हूँ। नो करने के बाद मैं पे थ्रू भीम UPI सिलेक्ट कर चुका हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा फास्ट बुकिंग होता है, इसीलिए मैं भीम UPI का यूज़ ज़्यादा करता हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं कैप्चा फिल कर लेता हूँ। 7RSVR, इसके बाद स्टेप करने के बाद भीम UPI सिलेक्ट कर लिया। भीम UPI नेक्स्ट कर दिए। नेक्स्ट करने के बाद देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे QR कोड आ चुका है, तो मैं फ़ोन पे के द्वारा स्कैनिंग करके मैं पेमेंट करना, इससे थोड़ा फास्ट बुकिंग होता है। तो मैं फ़ोन पे से स्कैन कर चुका हूँ और मैं फ़ोन पे से पिन डाल के मेरा पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। सो आप देखते हैं कि हमें लोअर बर्थ मिलता है कि नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमें लोअर बर्थ कंफर्म मिल चुका है, और एक नहीं मुझे 2 लोअर बर्थ मिल चुका है। देखिए B1 में 65 लोअर बर्थ, B1 में 68 लोअर बर्थ। सो आप भी इसी तरह से इजीली लोअर बर्थ बुकिंग कर सकते हैं। अगर रेलवे के पास ज़्यादा सीट है तो आपको 100% लोअर बर्थ मिलेगा, अगर नहीं रहेगा तो आपको एक ना एक जरूर लोअर बर्थ मिलेगा। सो आई होप कि आप सभी को हमारा यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुँच सके।